हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। इसके पहले हमने इसी से रिलेटेड एक पार्ट अपलोड ऑलरेडी कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं UPTT, CTET, KVS, NVS, DSSSB, SSET, RTET और ऐसे ही सभी राज्यों के TTE प्रश्न पत्रों की। अगर आप भी इनकी तैयारी कर रहे हैं, आप एक लर्निंग एस्पिरेंट है और पढ़ने में आपको भी क्रेज है, तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें जरूर बताएं। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है उन्हें दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको करनी है पॉज, क्वेश्चन को मन में रीड कर लेना है और फिर वीडियो को चलाना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, तो ये कैसे पहुंचाता है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभवों को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। देखिए, अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड करनी है चीज़ें, तभी जो है वो बच्चों को अधिकतर सही रूप से समझ में आता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है वो कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सभी चीज़ें हैं वो उनको जोड़ना है, जो है एकीकृत उपागम कह दें, या फिर कक्षा कक्षीय अधिगम को जो है बाहर की दुनिया से जोड़ना कह दें, या फिर जीवन से जोड़ना कह दें। तो ये सारी चीज़ें जो वो मिला जुला के एक ही है कि बच्चों के डे टू डे लाइफ रिलेटेड चीज़ें जो है वो उन्हीं से कंक्लूड करना है, उन्हीं से जो है वो जोड़ना है, तभी उनको जो है वो चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से सीखने में आती है, समझ में आती है और वो उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप जो है वो नहीं है। बी ऑप्शन जो है ये नहीं है। अनुरूप नहीं क्या है पूछा है, तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना, सिर्फ उसे ज्ञान दे के छोड़ना नहीं है, उसे अपने जीवन में वो अप्लाई कैसे करेगा इसलिए हमें उसे पढ़ाते हैं, ना कि सिर्फ उसे कि भाई कल को जाके उसे कहीं जॉब करनी है, ज्वाइन करना है और सिर्फ मनी अर्न करना, ये हमारा मेन गोल नहीं होगा। मेन मोटो हमारा यही है कि उसे देखिए शिक्षार्थियों को मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण से सरोकार को उत्पन्न कराना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए, उनके अंदर क्रिएटिविटी डालनी है, एक्टिवनेस डालना है, उनको परिचित कराना है कैसे वो उसे अपने लाइफ में जो वो अप्लाई कर सकते हैं ये सिखाना है, ना कि सिर्फ उन्हें ज्ञान और कौशल देके उन्हें सिर्फ लेस कर देना है। लेस कर देना इन सेंस होता है कि उन्हें सिर्फ चीज़ें जो है वो सिर्फ बता देना है, उनके पास है ज्ञान लेकिन उसका कहाँ पे अप्लाई करना है ये चीज़ें उन्हें नहीं पता रहेंगी। तो यहाँ पे पूछा क्या है इसके अनुरूप नहीं है, जो वो है आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, तो देखिए किस टाइप का दिया गया है, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, या फिर विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, या फिर चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन आपका सी ही है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है वो NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो CTT पेपर वन के लिए 28 जुलाई 2013 में पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए जो पूछा नहीं तो नहीं पे पहले अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य जो नहीं है वो है कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव हो सके, बल्कि यह जो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को पर्यावरण समझने में आसानी हो सके। सी ऑप्शन जो है आपका एकदम अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये उद्देश्य इसका नहीं है। और क्या उद्देश्य इसका है अगर पूछ लें तो शिक्षार्थियों में कल्पना शक्ति के सृजनात्मकता योग्यता को जो है वो बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना और शिक्षार्थियों को आनंद एवं मजा जो है वो उपलब्ध कराना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक यानी
पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्तता जो है वो आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। अगेन यहाँ पे पूछा है नहीं क्या करती है, तो पहले नहीं को हम अंडरलाइन कर लेंगे। पाठ्यचर्या की विशेषताओं में शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देना, जो आपका ए ऑप्शन है, शब्दावली और परिभाषा। देखिए शब्दावली और परिभाषा आपको जीवन भर किसी को नहीं याद रहती है, आपको और हमें भी नहीं याद रहने वाली है, तो बच्चों को हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया उनको ये चीज़ें जो है वो याद करना है और इसे डे टू डे लाइफ में रिलेट करना है। उन्हें सिर्फ उसकी कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, उसका मीनिंग बताना है कि क्या होता है, ना कि उन्हें परिभाषाएं जो है वो रटानी है। तो यहाँ पे जो है वो नहीं करती है वो है शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देना। और क्या यहाँ पे इनकी आवश्यकता को पूरा करते, तो ये हो जाता है कि भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए मूल्यों को बढ़ावा देना, यह विषय को एक सामाजिक पाठ्यक्रम के रूप में देखना और इसके लिए शिक्षार्थियों के हेतु आवश्यक है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु जो है वो आवश्यक है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। और यहाँ पे क्या पूछा है, उपयुक्त आवश्यकता जो है इसको पूरा नहीं करती है। तो देखिए पर्यावरण पढ़ाने का हमारा मेन मोटो उनको शब्दावली और परिभाषाओं को रटाना नहीं होता है, उनको हमें वो चीज़ें सिखाना होता है, कॉन्सेप्ट जो कैसे क्लियर किए जाते हैं वो बताना होता है। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है ये जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए बात करते हैं क्या नहीं है, तो नहीं भी पहले अंडरलाइन कर लेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन से पढ़ने का उद्देश्य जो नहीं है वो हो जाएगा, शिक्षार्थियों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान तथा उनका क्या महत्व है ये बताना। इसके अतिरिक्त जो है वो शिक्षार्थियों को अपने विचारों को व्यक्त करने तथा संबंधित अभ्यासों के प्रश्न करने योग्य बनाना, न कि शिक्षार्थियों को जो है सामाजिक विज्ञान की प्रमुख परिभाषा जो है याद करना। अगेन द सेम क्वेश्चन देवास, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो है सिर्फ थोड़ा सा प्रश्न को जो है वो घुमाकर पूछा गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे भी आपका एकदम अप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद कराने के योग बनाना। उनको हमें परिभाषा याद करा के कोई भी जीनियस नहीं बनाना है, फर्स्ट रैंक ला के उनको कुछ ये नहीं दिखाना कि भाई तुम बहुत बड़े इंसान हो गए हो, बल्कि उनको ये बताना है कि पर्यावरण का उनके जीवन में क्या महत्व है, उसे वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो भाई प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की परीक्षा देने का एक उद्देश्य है कि शिक्षार्थी विद्यालय के ज्ञान के अतिरिक्त विद्यालय बाहर के ज्ञान तथा सामाजिक घटनाएं हो रही हैं उसके संबंधित जानकारी को भी अवगत रहेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो एकदम आपका अप्रोप्रिएट है। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के जीवन से बाहरी जीवन से जो है वो जोड़ना और उसके जीवन संबंधित करने में सहायता करना। देखिए जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं वो बच्चे की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी जो है वो उसका ईवीएस की पढ़ाई का ये मुख्य उद्देश्य जो है वो ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा एक और दो के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संस्तुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ के द्वारा कक्षा एक और दो की कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति न करने का प्रमुख कारण यही है, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश जो है वो प्रदान करना। डी ऑप्शन एकदम सही है, एकदम यूनिक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना यही आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो कम पे जो है वो पहले हम लोग कम उपयुक्त पे अंडरलाइन कर लेंगे। तो ऑप्शन में कम उपयुक्त कौन सा लग रहा है, देखिए कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्र को छूती हैं, ये कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, या फिर कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो देखिए प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू होती हैं, क्योंकि कहानियों के में जो होता है व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं और तथा कई कहानियाँ जो होती हैं वो कई विषय क्षेत्र को छूती भी हैं और साथ ही साथ कक्षा प्रबंधन में भी सहायता करती हैं। कहानियाँ जो है वो पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, परंतु यह शिक्षण कौशल में उपयुक्त की तुलना में बहुत ही कम हो जाता है। देखिए कहानियाँ डी ऑप्शन, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, सिर्फ इसीलिए हम उनको नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो हमें दूसरे से एक दूसरे से लिंक कराने के लिए यूजफुल है, बट
कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव भी शामिल होते हैं, इसलिए हम उन्हें पढ़ाते हैं। अनेक विषयों को छूती हैं, सारे विषय यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं एक दूसरे से, इसलिए भी हम इसे पढ़ाते हैं। कहानियाँ जो है वो कक्षा प्रबंधन में भी सहायता करती हैं, एक दूसरे को हम देख के बताते हैं कि इस स्टोरी में ऐसा हुआ था, इससे हमें क्या सीख मिली, ये सारी चीज़ें, और इससे हमें कक्षा प्रबंधन के भी सहायता मिलती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो उपयुक्त नहीं है, तो ये जो सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।